तो बच्चों, मैं सलमान अक्रम राजा आपसे आज बहुत गमगीन दिल से मुखातिब हूं। कल इस्लामाबाद में पीटीआई के सपोर्टर्स में से कम से कम 20 अफराद शहीद हुए। हमारे पास 8 के मुकम्मल कवायफ मौजूद हैं, दीगर कवायफ आपको दे दिए जाएंगे। आज हालत यह है कि इस सदमे के बाद, इस कत्लोगारत, इस मैसेकर के बाद इस्लामाबाद में रिकॉर्ड की तल्फी की जा रही है। अस्पतालों को कहा जा रहा है कि लवाइकीन को उनके प्यारों का रिकॉर्ड ना दें। जो अस्पतालों में जिन्होंने दम तोड़ा, जो लोग जख्म खुर्दा हालत में अस्पतालों में आए, उनका रिकॉर्ड जो है वो तल्फ किया जा रहा है। कल जो हुआ ये हमारी तारीख का एक बदतरीन सानिया था। नहत्ते बच्चों पर, बूढ़ों पर, दोस्तों, भाइयों, बहनों पर गोलियां चलाई गई, सीधी गोलियां चलाई गई। या सिर्फ आंसू गैस शेल नहीं थे, रबड़ की गोलियां नहीं थी, ये लाइव गोलियां थी। लोगों की जानें ली गई, शेल भी लोगों को बराए रास्त मारे गए, जो गर्दनों पे लगे, सरों पे लगे, और इससे जान गई। देखें, किसी भी कौम का ये हक हुआ करता है कि वो अपने आईनी हुकूक के लिए एक जगह इकट्ठी हो, मार्च करे, अपनी आवाज बुलंद करे। ये तारीख का एक बहुत ही खूबसूरत, मैं कहूंगा, सबक है कि वही कौम तरक्की करती है, वही कौम फलाह पाती है जिसकी आवाम अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करती है, जिसकी आवाम सड़कों पर निकलती है, जिसकी आवाम वोट देती है। आज ये आलम है कि हमारे मुल्क में वोट की कोई इज्जत नहीं है। आपने 8 फरवरी को वोट दिया, उस वोट को लूटा गया, उसकी नफी की गई, एक मस्नूई हुकूमत कायम की गई, और कल उस मस्नूई हुकूमत ने एक कत्लोगारत का बाजार गर्म किया अपने फरेब को, अपने झूठ को छुपाने के लिए। और आज ये कहा जा रहा है कि कोई शहादतें नहीं हुई, कोई इस्लामाबाद में गोली नहीं चली, ये सरासर झूठ है। हमारे पास चारों अतराफ से इतलाहात आ रही हैं। मेरे हाथ में ये 8 लोगों के कवायफ मौजूद हैं, नाम मौजूद हैं, मैं पढ़ देता हूं। मोहम्मद इलियास, अनीस सत्ती, मलिक सफदर अली, मलिक मुबीन औरंगजेब, अब्दुल रशीद, अहमद वली, इन सब ने अपने प्यारों के हाथों में, बाहों में जान दी। गवाह मौजूद हैं, मुकम्मल तौर पे वीडियो मौजूद हैं इन सब की शहादतों के। लिहाजा ये किसी का कहना कि कल इस्लामाबाद में रियासती इदारों की जानिब से गोली नहीं चली, सरासर झूठ है। हम मुकदमे भी दायर करेंगे, हम अदालतों में भी जाएंगे, हम रियासत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, वजारत दाखिला, वजीर दाखिला के खिलाफ ये मुकदमे कायम करेंगे। और जो कोई इनका पुष्ट पनाह है उसको जवाब देना होगा कि यह कल क्या हुआ, क्यों निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाई गईं, क्यों एक आईनी और सियासी हक की नफी की गई इस बर्बरियत के साथ। देखिए, हमने इस मामले को बिल्कुल पसे पुश्त नहीं डालना, यह मामला लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हम पहले ही जिद्दोजहद कर रहे थे, वो जिद्दोजहद जारी रहेगी। हमारे आईनी हुकूक के लिए जो इलेक्शन में धांधली की गई, उसके खिलाफ जो बेहक नाहक लोगों को जेल में डाला गया है, इमरान खान साहब हों, मियां महमूद रशीद हों, शाह महमूद कुरैशी हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, सेनेटर एजाज चौधरी हों, उमर सरफराज चीमा हों, और नातादाद दूसरे, हम इस सही में लगे रहेंगे कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, आईन की हुक्मरानी हो। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जिस तरह अदालतों पर हमला किया गया, अदालतों को बेअसर करने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। जो 24 नवंबर की कॉल थी, फाइनल कॉल इमरान खान साहब की, उसके हवाले से पूरे मुल्क में जो समा बरपा किया गया वो भी हमें याद रहेगा। हमारी तारीख का ये भी एक बदतरीन सानिया था। देखिये, बहुत से लोगों ने एतराज किया कि हम में से बहुत से लोग, बशमूल मेरे, 24 नवंबर को इस्लामाबाद क्यों नहीं पहुंचे। देखिये, हम लाहौर में निकले, पूरा दिन में लाहौर शहर की सड़कों पर रहा। यहां ये आलम था कि अगर 10, 20, 30 लोग भी इकट्ठे होते थे तो उन पर लाठियां बरसाई जाती थी, उनको गिरफ्तार किया जाता था। हमारा हक था कि हम एक जगह इकट्ठे होते, वहां से इकट्ठे हम इस्लामाबाद की जानिब बढ़ते। तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया था, जितने भी पुल थे रावी पे उनको बंद कर दिया गया। उसके बाद चिनाब, जेलम, हर जगह पुलों को बंद किया गया। मेरा सारा दिन राबता रहा दोस्तों से गुजरात में, गुजरावाला में, वहां से आगे बढ़ना भी मुमकिन नहीं था। जिस तादाद में लोग बाहर निकलना चाहते थे, एहतजाज करना चाहते थे, इस्लामाबाद पहुंचना चाहते थे, वो मुमकिन नहीं था। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था कि मैं शोभदाबाजी करूं, मैं अपनी तस्वीरें खिंचाऊं बत्ती चौक पे जाके, लेकिन बहुत सी तस्वीर जो थी बस तस्वीर थी। तो मेरे लिए ये बिल्कुल मुनासिब नहीं था कि मैं
किसी शोभदे की बुनियाद पर अपने आप को आपके सामने पेश करूं। मैं हमेशा सच्चाई के साथ आपके सामने आऊंगा, जो मैं कर सका हूं वो मैं बयान कर दूंगा, जो करना मुमकिन नहीं था वो भी मैं बयान कर दूंगा। 24 नवंबर को किसी के लिए लाहौर से बाहर निकलना मुमकिन नहीं था, 25 को भी यही आलम रहा, 26 को भी यही आलम रहा, पूरे शहर को एक कैदखाना बना दिया गया था। और इस तनाजुर में इस्लामाबाद में जो बर्बरियत हुई उस पर हम सब ने आंसू बहाए। हम सिर्फ आंसू नहीं बहाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे अपने गुस्से के साथ, अपने गजब के साथ, हम हर कानूनी रास्ता अपनाएंगे। हम एक पुरअमन जमात हैं, हम एक सियासी जमात हैं, हम कोई जत्था नहीं है। हमें गलत एक नाम दिया जाता है, जो कि खुद मैं समझता हूं इस वक्त जो रियासत पर मुसल्लत टोला है वो है इंतशारी टोला। उसने पाकिस्तान के आईन को धर्म भरम किया है, उसने पाकिस्तानियों के हुकूक को सल्ब किया है। ये टोला झूठ और फरेब की बुनियाद पर हुकूमत में बैठा है। हम इस टोले के खिलाफ जद्दोजहद करते रहेंगे, कानून के मुताबिक, शराफत के मुताबिक, आईन के मुताबिक। हमारी जद्दोजहद आईनी है, हमारी जद्दोजहद बिल्कुल पुरअमन है। इसके खिलाफ हमें बर्बरियत का सामना करना पड़ा, शहादतें हुई, इन शहादतों का कर्ज हम चुकाएंगे। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम पूरी सच्चाई के साथ जो कुछ भी है आपके सामने लाएंगे और आपको हम दावत देते रहेंगे कि ये जो जद्दोजहद है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की फलाह के लिए, इसमें जुटे रहिए, हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ।